प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, 5 दिन पहले मैंने एक वीडियो YouTube पर डाला था, जिसमें मैंने बताया था कि 25 तारीख की रात को, यानी कि 24 तारीख की रात को, 25 तारीख की अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्मांड में कुछ ग्रहों की स्थितियां इस तरह की बन रही हैं, जो किसी अनिष्टकारी घटना का संकेत दे रही है। और दर्शकों, जैसे ही वो समय आया है, यहां पर चाइना के बॉर्डर पर भी कुछ हिंसात्मक घटना हुई है, सैनिकों की झड़पें हुई हैं, जिसमें बहुत लोग घायल हुए हैं। और उसके बाद आज 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड जो निकल रही थी, ट्रैक्टर रैली जो निकल रही थी, उसने भी अपना एक हिंसात्मक रूप धारण किया है। यहां तक कि लाल किले पर खालसा का झंडा फहराने की कोशिश की गई। दर्शकों, ब्रह्मांड में घटने वाले ग्रहों की स्थिति का आकलन यदि सही तरीके से किया जाए तो हमें आने वाली घटना का पूर्वाभास बहुत अच्छी तरह से होता है। चूंकि ये घटना बहुत थोड़े समय के लिए थी, यानी कि ये जो कंजंक्शन बन रहा था 4 ग्रहों का, जिसमें सूर्य और शनि 1 डिग्री पर और राहु और चंद्रमा 1 डिग्री पर थे, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा था, ये किसी अनिष्टकारी घटना का संकेत दे रहा था और इसके 2 रूप हमें देखने को भी मिले हैं। दर्शकों, बात इतनी सी नहीं है कि ऐसा हुआ, प्रिडिक्शन सही हुई। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरी ऐसी प्रिडिक्शंस कभी भी सत्य ना हो, क्योंकि जब ये सत्य होती है तो दिल को बहुत गहरी चोट लगती है। किसी भी देश के अंदर वहां की प्रजा के द्वारा कोई भी हिंसात्मक कार्य करना उस देश के लिए कभी भी अच्छा नहीं है, चाहे फिर वो हिंदुस्तान हो या फिर दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो। दर्शकों, बात इतनी सी नहीं है कि ये घटना हुई, प्रिडिक्शंस सही थी या नहीं थी, बात इतनी सी नहीं है। इस विषय की गंभीरता को हमें समझना है। जो ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति बन रही है वो साधारण बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में इस घटना को यदि हम ब्रह्मांड की उस परिस्थिति से जोड़ करके देखते हैं तो इसके भयंकर परिणाम हमें आने वाले समय में देखने को मिले, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बनती है। यानी केवल शुरुआत एक चिंगारी है जिसकी आग अभी फैलनी बाकी है। दर्शकों, यदि हम पिछले कुछ समय के ब्रह्मांड की स्थिति को देखें और जो घटनाएं घटित हुई है उनको देखें तो निस्संदेह यह समय युग परिवर्तन का बनता है। लेकिन युग परिवर्तन से पहले संघर्ष अनिवार्य है, युद्ध अनिवार्य है, संहार अनिवार्य है, यह बात भी हमें पता है। क्योंकि इतिहास के अंदर किसी भी कालखंड को यदि हम उठा के देखेंगे तो शांति से पहले उन्माद जरूर हुआ है। ऐसे में यहां पर यदि हम कुछ घटनाओं को आपस में जोड़े तो एक भयंकर रूप हमारे सामने निकल करके आता है। जैसे ही कश्मीर के अंदर शांति बहाली की कोशिश हुई, 370 हटाया गया, उसके बाद से पाकिस्तान के पास में भारत के अंदर कश्मीर को लेकर के बहुत बड़ा कुछ करने के लिए मुद्दा नहीं बचा। ऐसे में उसका प्रयास केवल कश्मीर के लिए नहीं था, उसका प्रयास केवल और केवल हिंदुस्तान की अखंडता को खत्म करने पर है। यानी वह कभी भी नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर शांति रहे। अब जब कश्मीर का मुद्दा उनके हाथ से निकल गया है तो यहां पर उन्होंने अपने यहां पर गुरु नानक देव जी के जन्म स्थल पर यहां पर उन्होंने एक स्मारक बनाया है और जहां पर भारतीयों को यहां पर आने की परमिशन भी दी है। यानी कि बहुत से हमारे सिख भाई लोग वहां पर जाते भी हैं। हालांकि ये बात वहां के कट्टरपंथियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और इसको रोकने के लिए वो पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ये घटना सिर्फ इतनी सी नहीं है, ये एक कूटनीतिक चाल है पाकिस्तान की, जो अब वो हिंदुस्तान के खिलाफ खेल रहा है। यानी कि सिख कम्युनिटी कभी भी उनके बहकावे में नहीं आ सकती, हिंदुओं को बरगला नहीं सकते, मुस्लिम बहुल इलाकों के अंदर अब उनकी पहुंच ढीली पड़ गई है। ऐसे में उन्होंने एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ा है हिंदुस्तान का और वो है सिख कम्युनिटी। यानी कि यहां पर
सिखों के अंदर, हमारे सिख सरदार भाइयों के बीच के अंदर कुछ ऐसी गलतफहमी पैदा हो जिससे उनका भारत सरकार के ऊपर से विश्वास उठे, या यूं कहिए कि भारत के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जो नहीं होनी चाहिए। ऐसे में यहां पर उन्होंने एक ऐसा मौका ढूंढा है जो कि किसान आंदोलन को हम कह सकते हैं, उसके रूप के अंदर यहां पर उन्होंने हिंसा को भड़काने के लिए कोई भी षड्यंत्र करने का अवसर उन्होंने नहीं खोना है, ये उनको अच्छी तरह से पता है। हमारे किसान भाई कभी भी हिंसात्मक प्रदर्शन में शामिल हो ही नहीं सकते, ये बात सत्य है। जो किसान अपने 10-5 हजार रुपए के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है वो हिंसा करेगा, ये हमारी सोच से भी परे है। ऐसे में इस आंदोलन को एक मोहरा बना करके कुछ लोग अपनी गंदी राजनीति भी करेंगे, कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्धि भी करेंगे, और यहां पर असामाजिक तत्वों को भी अपना काम करने का मौका मिलेगा, ये ग्रहों की स्थिति जरूर बता रही है। और ये घटनाएं इतनी आसानी से अभी खत्म होने वाली नहीं है, यानी कि इस आंदोलन का रूप अब बिल्कुल नए सिरे से नई दिशा के अंदर मुड़ने वाला है। और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों के अंदर यदि मैं आपसे बात कहूं तो यहां पर सरकार का रवैया भी खराब नहीं है, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ उन्होंने इस पूरे माहौल को संभाला हुआ है। लेकिन उसके अंदर एक चीज है जो हम सबको भी जरूर करनी चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये मैं अपना आखिरी वीडियो किसान आंदोलन को, जिस पर इस पर मैं बात करने जा रहा हूं, ये मेरा आखिरी वीडियो होगा जिस पर मैं किसान आंदोलन के संदर्भ में कोई बात रख रहा हूं, इसके बाद मैं कोई बात अपने वीडियो के माध्यम से नहीं रखूंगा। और उसका कारण क्या है, जब तक इस माहौल को गरमाया जाएगा तब तक उन्हें अपनी गंदी राजनीति करने का मौका मिलेगा। लेकिन यदि हम इस चीज की कवरेज बंद कर दें, इस चीज को हम अपनी बातचीत में ना लाएं और ये मुद्दा सरकार और किसानों के बीच में ही छोड़ दिया जाए, हमारी कोई भागीदारी उसमें ना हो, कोई प्रतिक्रिया उसमें ना हो, हम केवल तटस्थ होकर के दोनों के लिए हम शुभकामनाएं करें, यही हमारा रोल होना चाहिए। क्योंकि जब तक उन्हें मीडिया कवरेज मिलता रहेगा तब तक वो अपनी गतिविधियां संचालित करते रहेंगे, और वास्तव में जो किसान आंदोलन का रूप होना चाहिए वो अपने रूप से बहुत अलग दिशा में चला जाएगा। ऐसे में यहां पर बहुत ही परिपक्वता के साथ में सरकार को भी निर्णय लेने होंगे, इस आंदोलन को संभालने के लिए निर्णय लेने होंगे, और हम सबको भी ये निर्णय जरूर लेना होगा कि हमें भी किसान आंदोलन के संदर्भ में ना ही तो कोई वीडियो बनाना चाहिए और ना ही किसी तरह की न्यूज को हमें फॉरवर्ड करना चाहिए, ताकि एक ऐसा माहौल क्रिएट ना हो जो लोगों को उकसाने का काम करे। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सभी दर्शकों के ऊपर भी है, मीडिया हाउसेस के ऊपर भी है, यूट्यूबर्स जो हैं उनके ऊपर भी है, एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर भी है, कि ये हमारे व्यूज बढ़ाने का साधन नहीं हो सकता, इसे बहुत ही मैच्योरिटी से हल किया जाना है। क्योंकि यहां पर एक ऐसा खराब माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ऐसी गंदी राजनीति की जा रही है, या यूं कहिए ऐसा एक षड्यंत्र किया जा रहा है जो हिंदुस्तान के अंदर पहले जैसा माहौल, जो कि आप लोगों को पता है पंजाब के अंदर आतंकवाद का जो आप लोगों ने दौर देखा है, उस तरह के माहौल को खराब करने की कोशिश भी यहां पर की जाए, ऐसी संभावनाएं पूरी बन रही है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति भी ये संकेत साफ साफ दे रही है। और आज ये बात मैं बहुत ही मजबूरी के अंदर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने कह रहा हूं, ये बात मैं बहुत पहले से जानता था कि किस तरह का माहौल बनना है, लेकिन मैंने कभी भी वो चीज सार्वजनिक तौर पर ओपन नहीं की, क्योंकि ये चीज बहुत ही गंभीर है और सबको विचलित करने वाली भी है, कि यहां पर बहुत लोग अपना गंदा खेल खेलने वाले हैं। ऐसे में हमें न्यूट्रल रह करके ही इस चीज का जवाब उन्हें देना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने बहुत ही गंभीरता के साथ आप लोगों के सामने ये बात रखने की कोशिश की है कि उन्हें, यानी कि किसानों को मोहरा बनाया जा रहा है और उनके कंधे पर रख करके बंदूक चलाई जा रही है, जबकि उसके पीछे का उनका अपना एजेंडा है जो कि वो यहां पर कामयाब करना चाहते हैं, क्योंकि
कश्मीर मुद्दा अब उनके हाथ से निकल चुका है। ऐसे में हमें बहुत ही गंभीरता के साथ इस वर्तमान समय को, मई तक को बहुत ही संभाल करके चलना है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको ऑथेंटिक जानकारी देने की कोशिश की है और मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन किसान आंदोलन पर अब मैं कोई वीडियो आप लोगों के सामने नहीं लेकर आऊंगा और कृपया आप उसके संदर्भ में कोई प्रश्न भी मुझसे ना पूछें, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और इसे सरकार को अपने तरीके से हैंडल करने देना चाहिए। इसमें हम लोगों की भागीदारी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसी कोई योग्यता नहीं रखते जो इस आंदोलन को या सरकार को कोई नई दिशा दे सके। ऐसे में हमें न्यूट्रल रह करके ही यहां पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए और यही समय की मांग भी है। इसे मैं तो कम से कम पूरा फॉलो करूंगा, औरों का मैं ये नहीं कह सकता कि वो क्या करेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।